गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम है फिजिकल हेल्थ में जो टॉपिक है आज का वो है चेक करना आर्म कि वेदर नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट। गिवन नंबर हम यहाँ पर एक कोई भी गिवन नंबर देंगे, जैसे 153 दिया, 153 आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर पहले होता क्या है नहीं पता है ना। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होता है? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर दो नंबर होते हैं, जैसे 153 में अगर आप 1 × 1 × 1 अगर इन सारे वेरिएबल्स का क्यूब करते ठीक है, तो आपको आंसर में 153 ही मिलेगा ठीक है। इसे 1 का मल्टीप्लाई 3 बार किया तो 1 ठीक है, 5 का किया 125 और इसका हुआ 27। आप इसको आप जब प्लस करेंगे तो 153 है। ऐसे नंबर जो हमारे आपस में क्यूब करने पर जबकि इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब करने पर हमको वही की वही नंबर वही की वही सम मिल जाए तो वो कहलाते हैं हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ठीक है। अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं यूजिंग व्हाइल लूप ठीक है। राइट द प्रोग्राम गिवन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट यूजिंग व्हाइल लूप ठीक है। व्हाइल लूप पे क्यूब कर रहे हैं हम, यहाँ कंडीशन हमारी बार बार रिपीट होती है ठीक है। इंक्लूड हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना प्री प्रोसेसर बताया हमने यहाँ पे हैश, ये हमारा प्री प्रोसेसर है ठीक है। उसके बाद हमने अपनी हेड फाइल इंक्लूड कराई, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेड फाइल, दूसरी हैश इनपुट कोनी डॉट एच मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेड फाइल ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया ठीक है, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इसके बाद हमने देखो एक रिमाइंडर के लिए हमने लिया है आर वैल्यू ठीक है, एक एंड जो हमारी वैल्यू को लेगा केवल नंबर चेक करेगा ठीक है, और एक आर नाम का वैल्यू लिया है जिसमें आर स्टॉप वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि आर की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होना चाहिए और नॉन 0 है तो क्या होना चाहिए। तो आर को पहले अभी क्योंकि आर स्टॉप नंबर को निकल के लिए है तो इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सी एक वेरिएबल जो हम स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे उसको स्टोर भी करा के रखना पड़ेगा, नहीं तो जब कैलकुलेट होगी तो चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हमने सी में सी एक ऐसा वेरिएबल लेंगे जहाँ पर पहली वैल्यू को स्टोर कराएंगे ठीक है। हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे एंटर आईडी नंबर, हमने यहाँ पे एक वैल्यू को एंटर कराया एंटर आईडी नंबर, परसेंटेज से उसको क्या कर दिया हमने रीड करा दिया, रीड करा दिए और उसको जिससे कि वो स्क्रीन पर हमारी मेमोरी का एड्रेस लिखता है, ये होता है हमारा एड्रेस के लिए एम परसेंट साइन इसके लिए होता है एड्रेस के लिए, ये एन को मेमोरी में एड्रेस प्रोवाइड कर रहे ठीक है। हमने क्या किया, पहले एन को ग्रेटर देन 0 चेक किया, 155 0 से बड़ा है, बड़ा है सही है। फिर क्या करें कि रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 3। नेचुरली 3 आएगा आपका लास्ट रिमाइंडर, तो 3 का क्या करें 3 बार मल्टीप्लाई और प्लस कर दें, आर्म की वैल्यू 0 है तो ये क्या आ गया 27 ठीक है, 27 आ गया आपका ठीक है। फिर इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, जब हम फिर ये कंडीशन यहाँ तक होगी, फिर हमने क्या किया 153 को अब क्या कर लें 10 से डिवाइड कर लें, 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ठीक है, 15 को फिर चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 है सही है कंडीशन ट्रू ठीक है। फिर क्या करेंगे 15 को फिर से रिमाइंडर लाने के लिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 5 रिमाइंडर बचेगा, तो अभी हमारा यहाँ पे आर को वैल्यू हो गई 27 ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किया तो आर को वैल्यू क्या आ गई 27। फिर क्या करेंगे 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस आर में वैल्यू पहले 27 पड़ी है तो 125 और 27 ऐड होके कितना हो जाएगा 152। ठीक है, फिर n बाय 10 किया हमने, 15 को n बाय 10 किया तो 5 आएगा। ठीक है, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स 5 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब फिर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, कुछ छूट जाए गई ना तो अपना रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 152 हो गया। आर में वैल्यू 152 1 × 1 × 1। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, तो क्या आ गया 1 + 152 पहले से पड़ा हुआ है 152 और 1 कितना हो गया 152। अब ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आ गई 153 प्लस हो गए तो सी में वैल्यू 153, आर की वैल्यू भी 153 आ गई। इक्वल है तो नंबर इस क्या होता है आर स्ट्रॉन्ग, और अगर 152 दिया होता अगर इसकी जगह तो वो नॉट आर स्ट्रॉन्ग आती क्योंकि वहाँ पर वैल्यू कुछ अलग थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा बीसी फर्स्ट सेम में जो आपको प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम था इस तरीके से पूरा कैलकुलेट होता है और उसके बाद आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाती है जो हमें बताती है कि हमारा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसी क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें आपको वैल्यूज या न्यूमेरिकल टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम शायद प्राइम नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, रिवर्स नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और अदर प्रोग्राम भी करेंगे जो आपके फैक्टोरियल वगैरह डील करने की हैं, एनसीआर वैल्यू निकालने वगैरह की हैं, अर्थमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी अर्थमैटिक प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।